So welcome back to Khan Education. In this video we are going to learn about the new concept of chemistry. So as you know, this is the series of chemistry from basic to advanced level. So in today's topic you are going to learn about some laws of chemical combination. So today's class you are going to learn what is law of chemical combination. So in today's class I am going to deal about two laws of chemical combination. The first one is law of conservation of mass, and the second one is law of constant proportion. And after that I proceed about atom, what is atom and what is Dalton's atomic theory. So here I start first of all law of chemical combination. So before studying law of chemical combination, we have to understand some basic thing about reaction. So जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि reaction के बारे में कुछ बातें देखते हैं, जैसे कि A plus B react करता है और something कुछ बना C plus D, ठीक है. ये जो left side में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, left side में इसको कहते हैं reactant, रिएक्टेंट. और ये जो राइट साइड में होता है इसको कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है. तो रिएक्टेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट. और प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद बनता है, यानी जो सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, वो रिएक्टेंट कहलाया. और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद नया जो सब्सटेंस बना उसको कहेंगे प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रिएक्टेंट सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन रिएक्शन. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसको कहेंगे रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहेंगे द न्यू सब्सटेंस विच formed in a reaction. जो सब्सटेंस ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसको कहेंगे रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन उसको कहेंगे प्रोडक्ट. तो जैसे हम लोग देख सकते हैं ए प्लस बी रिएक्टेंट है और सी प्लस डी क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट. और ये जो एरो देख रहे हैं, ये एरो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता रहा है कि रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है. एक ये एरो होता है, ये एरो सिर्फ सिंगल एरो, एक सिंगल जब एरो रहेगा तो ये बता रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा. लेकिन एक ऐसा होता है साइन, जैसे ए प्लस बी इस तरह से डबल, मतलब दो एरो रहेगा, तो ये बता रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन. यानी ए से ए प्लस बी से जब C प्लस डी बनेगा तो दोबारा जो है C प्लस डी से A प्लस बी बन सकता है, ये बता रहा है. यानी ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये ऊपर वाला है ई रिवर्सिबल, यानी दोबारा रिवर्स नहीं होगा. तो इस तरह से हुआ. अब हम लोग आगे समझेंगे. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि अलग अलग जो मतलब केमिकल रिएक्शन को मतलब जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो जो टेक प्लेस हो रहे हैं कोई भी रिएक्शन, उनके अंदर कुछ लॉस मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है. तो उसी मतलब कंक्लूजन से बनाया गया कि पहला लॉ दिया गया जिसको कहते हैं द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
नाम से पता चला किस चीज़ का नियम है, इसमें मास कंजर्व रहेगा। कंजर्व होने का मतलब कि जितना मतलब पहले था उतना ही बाद में रहेगा। अब इसको समझेंगे किस तरह से कंजर्व रहेगा। सबसे पहले ये जानेंगे ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था लेबोजियर ने। लेबोजियर के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो लेबोजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। अब ये समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, अगर ग्राम में लिखे तो 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 ग्राम ग्राम में। और अगर इसका CO2 का लिखें तो CO2 में क्या है, कार्बन 12 और प्लस O2 कितना है, 32। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास होगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास, दोनों का मास बराबर आना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 32 + 12 डेट इज़ 44, जो कि मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या, ट्रू है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच इज़ गिवन बाय लेबोजियर। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, इसको समझेंगे। तो दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने। तो इसको समझेंगे क्या कहता है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। तो जोसेफ प्रोस्ट ने यह कहा था कि कोई भी सब्सटेंस का, अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर केमिकल सब्सटेंस है, तो प्योर में क्या था, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड। तो प्योर दो तरह का होता है। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस का अगर सोर्स कुछ भी लिया जाए, यानी किस कहीं से भी उसको मतलब लाया जाए, इसका सोर्स कुछ भी हो, तो उसमें जो होगा एक एलिमेंट जो होगा हमेशा सेम होगा और एक फिक्स रेशियो में होगा। कहने का मतलब कि वाट एवर वी द सोर्स ऑफ सब्सटेंस में भी, प्योर केमिकल सब्सटेंस ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट विथ फिक्स रेशियो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं वाटर, वाटर जो है, वाटर का सोर्स कुछ भी हो, जैसे कि अगर उसको हम लोग टैंक से लेते हैं सपोज दैट, या फिर रेन वाटर हो, या फिर पॉन्ड से लें, या फिर लेक से लें, या सी से, मतलब वाटर का सोर्स कुछ भी हो, यानी कहीं से भी वाटर में, हमेशा वाटर में एक फिक्स एलिमेंट होगा। फिक्स्ड एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वही मौजूद रहता है, चाहे वो टैंक का वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे पॉन्ड वाटर हो, चाहे लेक हो, चाहे सी हो। यानी वाटर का सोर्स कुछ भी हो इनमें से, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट होगा। हम लोग जाते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O,
तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही यही दो एलिमेंट है इसमें। तो हमेशा अगर टैंक से वाटर लेंगे तो भी यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। रेन वाटर लेंगे तो यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। पॉन्ड वाटर लेंगे तो यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। लेक वाटर लेंगे तो भी यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। सी वाटर लेंगे तो भी यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। तो स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का, वाट एवर बी द सोर्स ऑफ सब्सटेंस, यानी सोर्स कुछ भी हो इन सब में से, एग्जाम्पल के लिए ए प्योर केमिकल सब्सटेंस। तो प्योर क्या होता है हम लोग बताए थे, है ना। प्योर एक तरह का कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी। तो ये एक तरह का क्या है एटम, क्या है किससे, ये जो एटम कंबाइन हुआ तो इसमें क्या है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो एक तरह का ये कंपाउंड है वाटर। तो वाटर का सोर्स कुछ भी हो, है ना, एक प्योर सब्सटेंस, ए प्योर केमिकल सब्सटेंस जैसे कि वाटर, उसका सोर्स कुछ भी हो, टैंक, रेन वाटर, पॉन्ड, लेक या सी, कुछ भी सोर्स हो, यानी कहीं से भी उसको लिया जाए, उसमें हमेशा सेम एलिमेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, चाहे टैंक वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे लेक हो, चाहे सी हो, ठीक है। तो वाट एवर बी द सोर्स ऑफ सब्सटेंस, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, और सेम एलिमेंट के बाद सेम एलिमेंट रहना चाहिए, और कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स रेशियो, और जो कंबाइन होगा ये एलिमेंट एक दूसरे से एक फिक्स रेशियो में होगा। कहने का मतलब जब इस वाटर में देखेंगे H2O में, तो H2O में क्या है दो जो है पार्ट हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। इसमें हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो होता है मास कितना होता है 2, है ना, 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है ना। तो अगर ये रेशियो देखेंगे 2:16, ये मास का जो रेशियो होगा क्या होगा एक फिक्स होगा। तो सोर्स यानी कुछ भी हो, सोर्स कहीं से भी लिया जाए कि प्योर केमिकल सब्सटेंस को जैसे वाटर को, तो उसका जो एलिमेंट होगा हमेशा सेम एलिमेंट से बनेगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन रहेगा, और प्लस इनका जो रेशियो होगा कॉम्बिनेशन में एक फिक्स होगा। जैसे कि हाइड्रोजन H2O में देखेंगे तो 2 मास हाइड्रोजन का है और 16 ऑक्सीजन का, तो इसका जब रेशियो देखेंगे 2:16 तो क्या आएगा 1:8, दैट इज़ 1:8, जो कि क्या है एक फिक्स रेशियो है। हमेशा इसी रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही एलिमेंट हमेशा वाटर में प्रेजेंट रहेगा, चाहे वाटर का सोर्स कुछ भी हो। तो यही कहता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कि वाट एवर, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, वाट एवर बी द सोर्स ऑफ सब्सटेंस, सोर्स ऑफ सब्सटेंस यानी सब्सटेंस का, एक प्योर केमिकल सब्सटेंस का सोर्स कुछ भी हो, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यानी एक प्योर केमिकल सब्सटेंस का जैसे वाटर का, कुछ भी कहीं से भी उसको लिया जाए, टैंक से लिया जाए वाटर को, रेन वाटर ले, पॉन्ड ले, लेक ले या सी से ले, वो हमेशा इसमें सेम एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वही प्रेजेंट रहेगा, प्लस उनका जो मास में जो रेशियो होगा बाय मास, यानी इसमें क्या होता है 2 जो होता है मास 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ये जो रेशियो होगा यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1:8 आएगा, जो कि क्या होगा हमेशा फेक, यानी वाटर को कहीं से भी लिया जाए उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और जो मास का रेशियो होगा दोनों में क्या होगा 1:8 होगा। उसी तरह से हम लोग एग्जांपल लेते हैं CO2 का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ भी हो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहीं से भी लें जो भी उसका सोर्स हो, तो उसमें क्या होगा कार्बन और ऑक्सीजन जो होगा हमेशा जो होगा एक फिक्स रेशियो में पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कार्बन में कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 32, ये रेशियो होगा, है ना। कार्बन का मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16:32, ठीक है। तो जब ये रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करें तो 6 कितना आएगा 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3:8, है ना, यानी 3:8 आएगा। तो CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ भी, उसको कहीं से भी लिया जाए, हमेशा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा और एक फिक्स रेशियो में होगा, दैट इज़ 3:8, फिक्स रेशियो में होगा बाय मास। तो एक लॉ ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। और स्टेटमेंट क्या था कि प्योर केमिकल सब्सटेंस का सोर्स कुछ भी हो, उसको कहीं से भी लिया जाए, तो उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा और एक फिक्स रेशियो में होगा बाय मास। जैसे कि वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर को कहीं से भी लिया जाए, कहीं से भी उसको ऑब्टेंड किया जाए, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा रहेगा और एक फिक्स रेशियो में रहेगा जो कि 1:8 है बाय मास। उस तरह CO2 में कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और एक फिक्स रेशियो में 3:8 बाय मास। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।